सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस समय जो माहौल जो चल रहा है वो बहुत ज्यादा गर्मा गर्म माहौल है और एक दूसरे की रेस में हम सब लोग जो है इस तरीके से दौड़ रहे हैं कि मान के चलो कि मुझे आगे निकलना है। भाई ये एक रेस नहीं है, ये एक ओमेल है और ओमेल सबका बनेगा। बस यहाँ पे टेक्निकल टीम जो है वो हमारी पहले से काम कर रही है, बहुत सारे सुधार किए जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। और जैसे जैसे दिक्कत आ रही है वैसे वैसे टेक्निकल टीम को पता चलता जा रहा है और वैसे वैसे उसके अंदर सुधार भी होता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने अपना अपना ओमेल क्रिएट कर लिया है तो सबसे पहले आप सब लोगों को बधाई। अगर आपने ओमेल क्रिएट नहीं किया है तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। मेरा भी अभी ओमेल क्रिएट नहीं हुआ है तो क्या मैं परेशान हो जाऊं? नहीं, बस आज नहीं हुआ है तो कल हो जाएगा, कल नहीं होगा तो परसों हो जाएगा। भाई एक ना एक दिन तो सबका ही होना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो जब हम किसी भी चीज को बना करके मार्केट में उतार देते हैं या इंटरनेट पर डाल देते हैं और जब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं तब जाकर के कुछ चीजें वहां पे समझ में आती हैं कि भाई अब ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है ठीक से, यहाँ पे हाँ ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो वहां पे जैसे जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वैसे वैसे उसके अंदर सुधार भी किया जा रहा है। अभी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो कौन सी थी? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वो थी बाय डिफॉल्ट जो है वहां पे हमारा जो ओमेल बन के हमारा जीमेल बन के आ रहा था ओमेल वाले कॉलम के अंदर। अब वो अभी मैंने जो 1:15 पे अब मैंने उसको जो ट्राई किया था दोबारा से तो वहां पे हमारे सारे के सारे कॉलम बिल्कुल ब्लैंक है और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने ओमेल को क्रिएट करेंगे तो हम अपने अनुसार कोई भी ओमेल को क्रिएट कर सकते हैं विद अ यूनिक नेम। जैसे हम कोई भी जीमेल को क्रिएट कर लेते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे कोई भी ओमेल को क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तो ये कॉलम मैंने चेंजिंग देखी कि इसके अंदर एक चेंजिंग नहीं आई है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो हमें थोड़ी सी याद रखनी है, थोड़ी सी ध्यान रखनी है और ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत है ही नहीं। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी गलती अगर हो सकता है कि आप कर रहे हो, अगर आप ओमेल बना रहे हैं तो जो आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का जो कॉलम है उसमें आपको स्पेस नहीं देना है। जो फर्स्ट नेम के जो कॉलम में जो भी आप नाम डाल रहे हैं उसमें आपको स्पेस नहीं देना है। जैसे मेरा नाम है मनेंद्र सिंह तो यहाँ पे मनेंद्र और सिंह के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के नाम 3 शब्दों में हो सकते हैं, जैसे मनेंद्र सिंह गोला मेरा 3 शब्द है ये, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में मैं डाल रहा हूँ मनेंद्र सिंह तो यहाँ पे मेरा स्पेस नहीं होगा। अगर मैं स्पेस दूंगा तो ये एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। तो एक तो अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, नीचे जो ओटीपी आ रहा है हमारे एक अल्टरनेटिव ईमेल पर, वो अल्टरनेटिव ईमेल जो है सबसे पहले आप वही डालिए जो आपका ओ फाउंडर का ईमेल आईडी है। अगर आप सबसे पहले वो डाल देते हैं, अगर उसमें 180 सेकंड का उसके अंदर टाइम है, 180 सेकंड के अंदर अंदर अगर वो ईमेल पर ओटीपी नहीं आता है तो आप उसको एक बार रीसेंड करके भी ओटीपी मंगा सकते हैं। फिर भी नहीं आता है तो फिर आप छोड़ दीजिए उसे। अगर दूसरी बार भी रीसेंड करने के बाद भी अगर ओटीपी नहीं आता है तो फिर आप उसे छोड़ दीजिए, फिर आप दोबारा ट्राई क्यों ना करें, क्योंकि हो सकता है उस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक इस समय चल रहा है। मैंने भी कई बार जो है 2 बार ट्राई किया था रीसेंड ओटीपी पे लेकिन मेरा ओटीपी नहीं आया तो मैंने उसके बाद मैंने उसको बंद कर दिया। मैंने कहा अब मैं शाम को ही ट्राई करूंगा। तो यहां पे अभी सभी का ओटीपी नहीं आ पा रहा है, कुछ ओटीपी की भी ये दिक्कत आ रही है और इसके अलावा कुछ और दिक्कत भी आ रही है जो हमारा हाँ कभी कभी जो कंट्री वाली जो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं कभी कभी वो दिखाई नहीं देती है। जी हाँ, हमारा ओटीपी भी आ जाता है, हम उसमें डाल देते हैं, अब उसमें क्या होता है कि जो कंट्री की ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है वो कभी कभी दिखाई नहीं देती है। ये भी कभी कभी सर्वर की वजह से ऐसा हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है ये तो उसके अंदर बैकएंड के पीछे कुछ ना कुछ जरूर जो है काम चल रहा होगा, तो उस पर कुछ ना कुछ बहुत सारी टेक्निकल जो टीम हमारी लगी हुई है उसमें सुधार करती रहती है, तो हो सकता है कि ये उसकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रही हो। इसके अलावा जो हमारा मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर में +91 तो जैसे ही कंट्री को सिलेक्ट करेंगे तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन जो हमारा मोबाइल नंबर 10 अंकों का है उससे पहले हमारा वो 0 भी लगा हुआ है, तो आप 0 डाल करके भी अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और बड़ा इशू नहीं है इसमें। बहुत सारे लोग हो सकता है कि ये गलती कर रहे हो लेकिन उसमें बाय डिफॉल्ट हमारा 0 लग के भी मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं पासवर्ड की तो इसमें पासवर्ड के नीचे हमारे कुछ ग्रीन ग्रीन टाइप के कुछ सिंबल्स हैं, कुछ लाइन बनी हुई हैं, जब हम पासवर्ड डालते हैं तो वो भरती चली जाती हैं, उसमें 5 लाइनें हैं ग्रीन कलर की, तो जब जैसे ही वो 5 लाइनें भर जाती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपका पासवर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, यानी कि बिल्कुल सही तरीके से स्ट्रांग पासवर्ड आपने बना लिया है। अगर उसमें कोई भी एक लाइन लास्ट वाली अगर लाइन
भर्ती नहीं है और आप सोचते हैं कि हाँ मेरा पासवर्ड सफिशियंट है, तो आप ये सोच सकते हैं कि हाँ ये सिक्योरिटी पर्पज से आपके हिसाब से हो सकता है कि आपका पासवर्ड स्ट्रांग हो, लेकिन वो जो लाइन कंपनी ने अपनी बनाई हुई एक सिंबल बनाया हुआ है, तो वो सिंबल ये बता रहा है कि ये ज्यादा स्ट्रांग पासवर्ड नहीं है। नंबर, लेटर्स, करेक्टर्स और अल्फाबेट नंबर, न्यूमेरिकल नंबर, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, यानी कि हमारे कीबोर्ड के ऊपर जितने भी सिंबल्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उन सभी का इस्तेमाल करके एक कॉम्बिनेशन बना करके आपको अपना एक स्ट्रांग पासवर्ड बना लेना है और उसको कहीं पर भी लिख लेना है या भरते समय फॉर्म उसका किसी दूसरे फोन से आपको उसका फोटो खींच लेना है जिससे कि आप ना भूलें। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। अभी मेरा ओमेल क्रिएट नहीं हुआ है, मैं ओमेल ऑन पैसिव इकोसिस्टम के अंदर एंटर नहीं हो पाया हूं। वो जैसे ही मैं एंटर हो जाता हूं तो फिर मैं आपको प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर किस तरीके से आप और अच्छी तरीके से इसके अंदर एंटर हो सकते हो या अपना ओमेल वाला जो अकाउंट है वो उसको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, भाई प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने वाला हूं। तो बस उस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हाँ हम सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन फाउंडर होने के नाते, ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते हम लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा जो onpassive.com के ऊपर जो ट्रैफिक चल रहा है, ये मान के चलिए कि आपका बिजनेस चलने लगा। जी हाँ, आपका बिजनेस चलने लगा, वहां पे जितना भी ट्रैफिक आएगा वो आने वाले टाइम के अंदर हम सभी ब्रांड एम्बेसडर, जितने भी फाउंडर्स हैं, उन सभी के नीचे ये ट्रैफिक जो है काउंट कर दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है हम सब लोगों के लिए, लेकिन अगर हम फिर भी थोड़ा सा परेशानी तो आती है, थोड़ी सी टेंशन आती है, लेकिन हाँ एक हफ्ते का आप मैक्सिमम समय मानकर चलिए, एक हफ्ते का मैक्सिमम समय आप लोग जो है मानकर चलिए, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से स्मूथ हो जाएगा। जी हाँ, एक हफ्ते के अंदर पूरी तरीके से हमारा सिस्टम स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में ओ फाउंडर के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन अब ओ फाउंडर में ऐसी कोई भी चीजें सामने नहीं आती हैं, बस ऐसे ही हमारा ओ मिल के साथ में भी आराम से हो जाएगा। थैंक यू सो मच, ये थी आज की हमारी थोड़ी सी छोटी सी अपडेट। हाँ, कुछ चीजें और भी हैं जो मैं आपको बता देना चाहूंगा जल्दी से फटाफट से एक मिनट के अंदर अंदर। ओके, तो एक चीज तो यह है कि गुरसविंदर ढिल्लन सर ने जो है एक मैसेज डाला है और उस मैसेज में लिखा हुआ है कि हम सब लोग जो है एक ट्रिलियन डॉलर के आइडियाज के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जी हाँ, ट्रिलियन डॉलर आइडियाज के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वास्तव में ये बिजनेस इस दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस बनने जा रहा है। और एक गुरसविंदर ढिल्लन सर ने जो है एक चीज और भी डाली हुई है कि हमारे जो फ्यू आवर्स टुडे, यानी कि कुछ घंटों पहले जो है, कुछ घंटों के बाद हमारा जो है लॉगिन होना शुरू हो जाएगा, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन हाँ, कुछ व्हाट्सएप के बारे में डाला हुआ है कि जितने भी अपनी स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं जितने भी लोग, वो फटाफट से अपनी एक मिनट के अंदर अंदर डिलीट कर दें सारी की सारी। जी हाँ, डिलीट कर दें सारी की सारी। और जो उस ग्रुप के एडमिन है उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि उन सारे लोगों को तुरंत इमीडिएटली वहां से रिमूव कर दिया जाए जो इस टाइप की इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। ये प्राइवेसी के साथ एक खिलवाड़ होता है। ये जो हमारी कंपनी की जो प्राइवेसी होती है, जो सिक्योरिटी पर्पज होता है, ये उसके साथ क्या होता है, उसके साथ एक खिलवाड़ मान के चलिए, उसका उल्लंघन मान के चलिए, या फिर यूं कहिए कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो यहां पे उनको इमीडिएटली वहां से रिमूव कर देना है। उस व्यक्ति को वहां से रिमूव कर दो। अगर खुद एडमिन ऐसा कर रहा है तो जो उस ग्रुप के लोग हैं वो उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज जो है उन्होंने बताई हुई है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। हम सब लोग फाउंडर्स हैं और ये बिजनेस हम सब लोगों का है और आने वाले टाइम में हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रो करने वाले। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिनका ओमेल बन चुका है। अभी तो और भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, और भी बहुत सारे जो है बधाइयां देना बाकी हैं, वो हम सब समय समय पे देते रहेंगे एक दूसरे के लिए। अगर आपका ओमेल बन चुका है तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपका ओमेल बन चुका है या नहीं। मेरा भी नहीं बना है, और जैसे ही बन जाएगा मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर 100% में जरूर बता दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बी पेशेंस, एंड थोड़े समय के बाद आप जरूर ट्राई करिए। थैंक यू सो मच, वी आर इन इट टू विन इट।